एक चीज़ मैंने पर्सनली नोट करी कि आपको सफल होने के लिए आपका माइंड स्ट्रांग होना ज़रूरी है आपकी फीलिंग्स के ऊपर। आप कोई भी ऐसा डिसीजन याद करो जो आपके हिसाब से आपके लिए ठीक नहीं था, आप रियलाइज़ करोगे कि उस केस में आपकी फीलिंग्स हावी हो गई थी आपके माइंड के ऊपर, तब आपने वो डिसीजन लिया था और बाद में आप उस पर पछताए भी थे। दो एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज़ आप फ्रिज के पास गए, आपने फ्रिज ऑन किया, देखा वहाँ पे एक चॉकलेट रखी हुई है। आपके माइंड ने बोला कि चॉकलेट नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है, लेकिन आपको फील हुआ कि यार चॉकलेट कौन छोड़ता है, मैं तो नहीं छोड़ पाऊँगा, आपने खा ली। या दूसरा, आपके माइंड ने बोला कि बेड से उठो जिम जाओ, लेकिन आपको फील हुआ कि यार इतनी सुबह सुबह कौन अपना बिस्तर छोड़ के जाता है, नहीं जाऊँगा, सोते रहो। आप रियलाइज़ करोगे कि जहाँ पे आपका माइंड स्ट्रांग होगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है आपके सक्सेसफुल होने की, लेकिन जहाँ पे आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं वहाँ पे आपकी सफलता थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई डिसीजन लो ना, तो सोचना कि ये माइंड आपको करने के लिए बोल रहा है, आपकी फीलिंग्स करने के लिए बोल रही है। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, करके देखिएगा।